नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और सभी को नमस्कार आनंद। क्रिकेट, फुटबॉल और मुक्केबाजी सहित ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का लिया निर्णय। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना संक्रमित। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय। और राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रोहित मोर ने पिछले विजेता हुसामुद्दीन को हराकर अपना पहला खिताब जीता। सबसे पहले बात आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। हैदराबाद के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि अगर टीम ये मुकाबला हार जाती है तो प्लेऑफ की संभावना से लगभग बाहर हो जाएगी। दूसरी तरफ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर ये मुकाबला जीत जाती है तो प्लेऑफ में वो बहुत करीब पहुंच जाएगी। गौस, सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद की टीम आठवें स्थान पर है। डेविड वार्नर की इस मुकाबले में वापसी हुई है। दूसरी तरफ देखें दिल्ली के लिए तो उनके जो रेगुलर कैप्टन थे श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे, उसके बाद ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया। अय्यर की भी टीम में वापसी हुई है। देखिए, अय्यर एक अनुभवी खिलाड़ी है, युवा है, लेकिन उसके बावजूद अनुभवी है। रही बात ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत यूज्ड टू हैं, वो इस टी20 के फॉर्मेट के एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं अगर हम वर्ल्ड पे क्रिकेट पे नजर डालें। और रही बात हैदराबाद की और दिल्ली कैपिटल के जो बीच मुकाबला होगा, अय्यर की वापसी और उधर आपने एक बताया कि नटराजन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये भी देखा जाएगा कि उनके संपर्क में कौन कौन थे। तो ये बड़ी एक कोविड का प्रोटोकॉल है। रही बात आज के मुकाबले की, तो मेरे ख्याल से मुकाबला आनंद जो है ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। इसमें कैप्टनशिप, सब लोग बोलते हैं कि कैप्टनशिप एक औपचारिकता है, लेकिन बहुत दिमाग का मामला है ये, और इसमें प्रेशर दबाव रहता है। बेशक कोई भी खिलाड़ी ये कहे कि इसमें कोई दबाव नहीं रहता, दबाव रहता है। केन विलियमसन हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं। हैदराबाद के नजरिए से अगर देखें तो उनका टॉप ऑर्डर अब तक आईपीएल के पहले पार्ट में नहीं चल पाया। वार्नर के बल्ले से रन नहीं बने, विलियमसन भी उस ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। इस मुकाबले में केदार जाधव को भी लेकर आए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबके पास ये काफी अरसे बाद खेलने का मौका आया है, खास करके अगर हम छोड़ दें इंग्लैंड को या भारत के खिलाड़ियों को छोड़ दें तो बाकियों के पास कम मौके आए हैं। और आप डेविड वार्नर की बात कर रहे हैं, ये खिलाड़ी ऐसा है कि अपने बूते पे कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि क्योंकि वो प्रेशर झेलने के आदी हैं, और दिल्ली कैपिटल के खिलाफ अगर नहीं खेले, दिल्ली कैपिटल की खासियत आनंद क्या है, रिक्टी पॉइंटिंग जिन्हें आदत है वर्ल्ड कप के खिताब जीतने की अपने ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो एक ऐसे शातिर कोच हैं कि जो उनकी रणनीति होती है उससे काम दिल्ली कैपिटल का काफी आसान हो जाता है। अगर आप देखें, कभी आप मैच देखते होंगे तो सब लोग इधर उधर एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। एक रिक्की पॉइंटिंग एक ऐसा गंभीर शख्स है कि जो हमेशा हर क्षण को सोचता है और रणनीति बनाता है। श्रेयस अय्यर हो या ऋषभ पंत हो या शेखर धवन हो, उनके जो भी खिलाड़ी हैं, पृथ्वी शाह हैं, तो ये सब लोगों को उनका फायदा मिलता है क्योंकि वो सबसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। रही बात वहां हैदराबाद की, तो वहां पे लक्ष्मण जो है बड़े अनुभवी हैं उनके, और आज उनके पास कुरकर दिखाने का मौका है। मेरे ख्याल से खिलाड़ी वही अपनी क्षमताओं पर खरा उतरता है जो प्रेशर के मैच में अच्छा प्रदर्शन रखने का कायल होता है। जी बिल्कुल। हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नटराजन और उनके नजदीकी संपर्क में आने वाले छह लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। बीसीसीआई के अनुसार विजय शंकर, फिजियो श्याम सुंदर, टीम मैनेजर विजय कुमार, डॉक्टर अंजना वानन, लॉजिस्टिक मैनेजर तुषार खेडकर और नेट गेंदबाज पेरिया स्वामी गणेशन को आइसोलेट किया है। बीसीसीआई ने बताया है कि नटराजन और छह अन्य सदस्यों पर मेडिकल टीम नजर रख रही है। गौस साहब, जो पहला आईपीएल का जो पार्ट वन था 2021 का, वो इसी कारण रद्द हुआ था कि बायो बबल में कोरोना की एंट्री हो गई थी। तमाम प्रयासों के बाद यूएई से शिफ्ट किया गया और आज तीसरा मुकाबला ही है और कोरोना ने फिर बायो बबल को भेद दिया है।
ये एक चिंता का विषय है। ये एक आसान विषय वो नहीं है, और कोविड की वजह से वैक्सीन सब लोगों ने ली है तो उससे इतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन आपको याद होगा हमारे आकाशवाणी ने हमेशा इस चीज का संदेश दिया है, मास्क लगाएं, दो गज दूरी जरूरी, हाथ और मुंह साफ रखें। तो मेरे ख्याल से ये जितना मेरे और आपके लिए उतना ही ये उन खिलाड़ियों के लिए, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये नजर रखनी होगी। क्योंकि देखिए, आप जहां होटल में ठहरते हैं, जो वेटर है वो भी बाहर नहीं जा सकता, होटल का स्टाफ भी बाहर नहीं जा सकता, जब तक टीम रहेगी वो लोग इधर से उधर नहीं जाते, वो भी होटल के ही रूम में ठहरते हैं। सख्ती होती है, लेकिन जहां चूक होती है वो पता लगा लेते। बड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स हैं आईपीएल के, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा फैलेगा नहीं, मामला रुक जाएगा। जी हाँ, सुबह आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में टी नटराजन पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनकी दूसरी रिपोर्ट क्या होती है, जब तक वो सभी खिलाड़ी आइसोलेट रहेंगे। आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 2 रन से हराकर अपनी चौथी जीत दर्ज की। मैच रिपोर्ट के साथ हैं अतहर सईद। दुबई के मैदान पर कल पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने थी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 185 रन बनाए। पंजाब किंग्स की टीम इस स्कोर को हासिल नहीं कर पाई और 2 रन के करीबी अंतर से मुकाबला हार गई। पंजाब को जीत के लिए आखिरी ओवर में 4 रन की दरकार थी। निकोलस पूरन और मार्करम क्रीज पर जमे थे। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी ओवर में कार्तिक त्यागी तूफान की तरह आए और 2 विकेट झटक पंजाब की झोली से मैच को उड़ा ले गए। अंतिम गेंद पर जीत के लिए पंजाब को 3 रन की जरूरत थी, लेकिन फाबियान एलन कोई रन नहीं बना सके। राजस्थान रॉयल्स इस सीजन में अपनी चौथी जीत दर्ज करने में सफल रही, वहीं पंजाब किंग्स के लिए ये 6ठी हार है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। पूरे मुकाबले में जब पंजाब किंग्स की टीम बल्लेबाजी करने आई, लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल की शानदार सलामी साझेदारी, 19वें ओवर की समाप्ति तक भी नहीं लग रहा था कि पंजाब की टीम मुकाबला हार जाएगी, लेकिन कमाल कार्तिक त्यागी का। बेशक कमाल है, क्योंकि आप ये देखिए, कार्तिक त्यागी ने न सिर्फ 2 विकेट झटके बल्कि पंजाब को एक ऐसा झटका दिया, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मेहनत की नहीं मैच जीतने के लिए। अगर एक टीम को 4 रन बनाने हो आखिरी ओवर में और पार्टनरशिप 50 रन से ज्यादा हो गई हो, ये विश्व में पहला ऐसा मुकाबला है कि कोई पार्टनरशिप 50 से ज्यादा हो गई है और वो 4 रन आखिरी के ओवर में नहीं बना पाए। कार्तिक त्यागी ने तो 2 विकेट झटके, लेकिन 4 रन, आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि एक ही गेंद पे आप 4 रन बना सकें। ये T20 की खासियत होती है, और यहां खासियत गेंदबाजों ने फायदा उठाया और बल्लेबाज वंचित रह गए, ये एक मुश्किल रिजल्ट है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन राजस्थान के नजरिए से देखें तो टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाया। एविन लुइस और यशस्वी जायसवाल को स्टार्ट मिला, लेकिन बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लोमरूर ने बहुत अच्छी पारी खेली, 17 गेंदों पर 43 रन के आसपास बनाए, और गेंदबाजी में भी टीम परफेक्ट नजर नहीं आ रही है। क्रिस मॉरिस तेज गेंदबाजी की अगुवाई कर रहे हैं, राहुल तेवतिया स्पिन गेंदबाजी में हैं, लेकिन 185 का टोटल भी जैसे तैसे ही डिफेंड हो पाया। हाँ, जैसे कैसे हुआ, लेकिन हो गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से एक प्लानिंग, एक सोच जो कोच की है, शायद उसके अनुरूप टीम नहीं खेल पा रही है। वहां उनकी जो मैनेजमेंट को है, इस पर गौर करना होगा। यहां तो पंजाब ने ये मैच एक तरह से हम ये नहीं कह सकते तोहफे में दे दिया, पर ये राजस्थान के हम त्यागी का जो है, जो उसका कौशल जो उन्होंने दिखाया है 2 विकेट झटक के, वो छीनना नहीं चाहेंगे। पर यहां मैनेजमेंट को पूरी तरह ध्यान देना होगा कि अगर एक टीम के खिलाड़ी 50 से ज्यादा साझेदारी करके 4 रन आखिरी के ओवर में ना बना पाए, वो T20 के लिए एक ऐसा रिजल्ट है जो अच्छा नहीं माना जाता। जी हाँ, पंजाब किंग्स के जो मुख्य कोच हैं अनिल कुंबले, उन्होंने कहा है कि टीम को ये मुकाबला 19वें ओवर में ही समाप्त कर देना चाहिए था, 20वें ओवर तक ले जाने के कारण टीम को नुकसान हुआ है, और ये नुकसान कितना भारी पड़ेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, चूंकि पंजाब किंग्स की टीम इस समय अंक तालिका में 7वें स्थान पर है।
महिला क्रिकेट की बात करें तो ली ताहूहू की शानदार गेंदबाजी के चलते न्यूजीलैंड की महिला टीम ने 5 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। सीरीज में अभी इंग्लैंड 2-1 से आगे है। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.3 ओवर में 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ताहूहू ने 5 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 45.5 ओवर में 7 विकेट पर 185 रन बनाकर मैच को जीत लिया। मैडी ग्रीन ने नाबाद 70 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब दोनों टीमों के बीच चौथा मैच कल खेला जाएगा। क्रिकेट के बाद बात करते हैं फुटबॉल की। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय हो गए हैं। कल पहले क्वार्टर फाइनल में मोहम्मदन स्पोर्टिंग का सामना गोकुलाम केरला से होगा। शुक्रवार को आर्मी रेड बेंगलुरु यूनाइटेड की चुनौती का सामना करेगी। उसी दिन तीसरे क्वार्टर फाइनल में एफसी गोवा की टक्कर दिल्ली एफसी से होगी। चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में शनिवार को बेंगलुरु एफसी और आर्मी ग्रीन आमने सामने होंगे। दिल्ली एफसी और बेंगलुरु एफसी ने कल अपने अपने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कल्याणी स्टेडियम में विलिस प्लाजा के एकमात्र गोल से दिल्ली ने केरला ब्लास्टर्स को 1-0 से पराजित किया। उधर बेंगलुरु के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 2 और लियोन ऑगस्टन अजय छेत्री हुईद्रोम थोई सिंह ने 1-1 गोल किया, जिस कारण बेंगलुरु ने 5-3 से भारतीय नौसेना पर जीत दर्ज करते हुए अंतिम 8 में जगह बनाई। गौस अब खुद लंबे समय तक ड्यूरेंट कप में बतौर प्लेयर खेल चुके हैं और बहुत सारे ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की आपने कमेंट्री भी की है। दिल्ली की टीम के लिए इस साल बहुत बढ़िया घट रहा है ये टूर्नामेंट। जी बेशक, ये वो दिल्ली की टीम है आनंद की जो मिनर्वा क्लब होता था पंजाब में जी। तो रंजीत बजाज है ना, जो एक फुटबॉल के बड़े शौकीन है, बिजनेसमैन है पंजाब के, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए और वो मिनर्वा और पंजाब यूनाइटेड की जगह उनका नाम हो गया दिल्ली फुटबॉल क्लब। तो फिलहाल वो इस टीम से है, बड़े पेशेवर उनकी सोच है और ये कोई आसान रिजल्ट नहीं है। बहुत मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हुए वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं और काफी दिनों बाद ये न्यूज अच्छी लग रही है कि दिल्ली की कोई टीम ड्यूरेंट जैसे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। और रही बात ये कि ये हमेशा सालों से आनंद दिल्ली में आयोजित होता रहा है और इसको कोलकाता इसलिए ले गए कि वहां पे उनको आसानी से ईस्ट बंगाल और मोहन बगान मिल जाए जी। और ईस्ट बंगाल मोहन बगान इस ड्यूरेंट कप में भी नहीं खेल रही हैं, दर्शकों का COVID-19 की वजह से ना के बराबर प्रवेश है, तो एक और जगह संतुष्टि नहीं है हमारी, क्योंकि जब इतने सालों से 2016 तक जी यानी इतने टूर्नामेंट दिल्ली में हुए हैं और ये एक हिस्टोरिकल टूर्नामेंट है, विश्व का सबसे पुराने जो टूर्नामेंट है उसमें ये तीसरा बड़ा टूर्नामेंट है और ऐसा टूर्नामेंट जिसके अंदर महान बगान, ईस्ट बंगाल, महिंद्रा यूनाइटेड, गोवा की सारी टीमें, पंजाब में चार चार क्लब आते थे, नॉर्थ ईस्ट की टीमें आती थी, राजस्थान बीकानेर, राजस्थान क्लब आते थे और गोरखा ब्रिगेड आर्मी की बहुत टीमें आती थी, चाहे शाम थापा हो या रंजीत थापा हो, इस तरह की कितने खिलाड़ी हमारे पास मिलते थे। मुंबई की टाटा फुटबॉल क्लब बहुत गजब का था। ये सब ड्यूरेंट से निकले हैं और ये एक ऐसा टूर्नामेंट था, ऐतिहासिक तो था ही, जब ड्यूरेंट होने वाला होता था जी। आनंद तो वहां पे एक तरह से ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है और इसकी महक आती थी कि अभी दशहरा आएगा, थोड़ी दूर अंबेडकर स्टेडियम से रामलीला मैदान था तो क्या कई लोग क्या करते थे, तब फ्लड लाइट नहीं था, मैच देखा उसके बाद रामलीला का भी आनंद लेते थे, यानी उस वक्त मेट्रो स्टेशन नहीं था। आज की तारीख में मेट्रो स्टेशन अंबेडकर स्टेडियम के गेट पर है जी। और वहां पे कोई टूर्नामेंट नहीं होता, सिर्फ एक टूर्नामेंट होता है और नॉर्थ ईस्ट का एक टूर्नामेंट होता है, लेकिन ड्यूरेंट जैसा टूर्नामेंट यहां से कोलकाता गया महज इस वजह से कि ईस्ट बंगाल और मोहन बगान उनको आसानी से मिल जाएंगी और वही दोनों टीम नहीं खेल रही हैं, तो एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट को आप कभी ताजमहल को वहां से उठा के आप कहीं और नहीं रख सकते। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा टूर्नामेंट है जिसकी हमको ये देखना चाहिए, जो आर्मी इसको करा रही है वो बहुत गजब का टूर्नामेंट कराती है, तो वहां हो रहा है ये टूर्नामेंट अपने आप में ऐतिहासिक है जी। हाँ, क्वार्टर फाइनल मुकाबलों पर हमारी नजर बनी रहेगी और स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से हम आपको ड्यूरेंट कप से जुड़ा हर अपडेट देते रहेंगे। इंग्लिश लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कल कई मुकाबले खेले गए। मैच रिपोर्ट के साथ हैं नईम अख्तर। लगातार पांचवी बार इंग्लिश लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीतने की कोशिश में लगे मैनचेस्टर सिटी ने पिछले 4 साल में पहली बार शुरू में पिछड़ने के बाद अच्छी वापसी करके वेकॉम वॉन्डरर्स पर 6-1 से बड़ी जीत दर्ज की। तीसरी
शेयरिंग के टूर्नामेंट में खेलने वाले वॉन्डरर्स ने 22वें मिनट में बढ़त हासिल करके सबको चौंका दिया था, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने जल्द ही अपना जलवा दिखाया और दोनों हाफ में 3-3 गोल करके आसान जीत दर्ज की। मैनचेस्टर सिटी को लीग कप में आखिरी हार अक्टूबर 2016 में मिली थी। लिवरपूल ने एक अन्य मैच में प्रीमियर लीग की टीम नॉर्विच को 3-0 से हराया। लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी दोनों लीग कप में रिकॉर्ड 8वें खिताब के कवायद में है। मैनचेस्टर सिटी ने 6 खिताब पिछले 8 सीजन में जीते हैं। इस बार प्रीमियर लीग की टीम एवर्टन को दूसरी श्रेणी के लीग में खेलने वाले क्वींस पार्क रेंजर्स से पेनल्टी शूटआउट में 8-7 से हार झेलनी पड़ी। नियमित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर था। लीड्स ने फुलहम के खिलाफ मुकाबला गोल रहित रहने के बाद शूटआउट में 6-5 से जीत दर्ज की। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पछाड़कर 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। फोर्ब्स के अनुसार इस सीजन में टॉप 10 कमाई करने वाले फुटबॉलरों की कर मुक्त आय 585 मिलियन अमरीकी डॉलर रही, जो कि पिछले साल 570 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड का हिस्सा हैं, जबकि मेसी पीएसजी के साथ खेलने का करार कर चुके हैं। नेमार कमाई के मामले में तीसरे स्थान पर हैं और उनकी कमाई 95 मिलियन डॉलर रही। काइलन एम्बापे चौथे नंबर पर काबिज हैं, जिन्होंने इस साल 43 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। पांचवें स्थान पर लिवरपूल के स्ट्राइकर मो साला हैं। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रोहित मोर ने मौजूदा चैंपियन हुसामुद्दीन को हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया है। रोहित ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में मोहम्मद हुसामुद्दीन को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से मात दी। रोहित के अलावा स्टार मुक्केबाज शिवा थापा और संजीत ने भी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन करते हुए अपनी अपनी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में खेले गए अन्य मुकाबलों में दीपक कुमार ने 51 किलोग्राम भार वर्ग का, आकाश ने 54 किलोग्राम, सुमित ने 75 किलोग्राम, सचिन कुमार ने 80 किलोग्राम, लक्ष्य ने 86 किलोग्राम और नरेंद्र ने 92 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर एसएससीबी के दबदबे को कायम रखा। स्वर्ण पदक के साथ ही सभी विजेताओं ने विश्व चैंपियनशिप के लिए अपना टिकट भी पक्का कर लिया है। ये सभी सर्बिया के बेलग्रेड में 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शिवा थापा को छोड़कर बाकी सभी मुक्केबाजों के लिए ये पहली विश्व चैंपियनशिप होगी। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात करें तो एसएससीबी ने 8 स्वर्ण समेत 12 पदक जीते और टीम चैंपियनशिप अपने पास बरकरार रखने में सफलता पाई। इसके अलावा रेलवे ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदक के साथ दूसरे स्थान पर अपने अभियान का समापन किया। वापस लौटते हैं अगर आईपीएल में जो इस समय मुकाबला चल रहा है, गॉस डेविड वार्नर शून्य पर आउट हो चुके हैं। पहले ओवर में ही एनरिक नॉर्किया ने उन्हें आउट किया। एक ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर है 6-1 के नुकसान पर। तगड़ा झटका शुरू में ही, भयंकर झटका। वार्नर से उम्मीद कर रहे थे कि आज वो कुछ विशेष करेंगे और उन्होंने विशेष कर दिया कि जल्दी आउट हो गए। जी हाँ, यहां से क्या रणनीति होगी? वार्नर के साथ रिद्धिमान साहा जो विकेटकीपर बल्लेबाज हैं वो ओपनिंग करने आए थे और अब पहला विकेट गंवाने के बाद खुद कप्तान केन विलियमसन क्रीज पर हैं। जी, विलियमसन के पास एक चुनौती है, वो अपने आप को साबित करें। रिद्धिमान साहा एक अनुभवी खिलाड़ी है, मेरे ख्याल से ये T20 की तरह नहीं, थोड़ा रुक के खेल के और फिर लंबे शॉट करने चाहिए। पहले थोड़ा रुकना चाहिए 1-2-3 ओवर। यहां से दिल्ली की क्या स्ट्रैटेजी होगी? बड़ा विकेट उनको मिल गया है और यहां से ऋषभ पंत कोशिश करेंगे कि ज्यादा दबाव बनाया जाए। बेशक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऋषभ पंत और रिकी पॉइंटिंग एक थिंग कर रहे हैं, अटैकिंग में उनका भरोसा है। वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी टीम को धाराशायी करा जाए। वो उनको कंट्रोल नहीं करेंगे रनों के मामले में, विकेट झटकेंगे। कल का जो मैच है, कल मुंबई का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से है। पिछले मुकाबले में हमने देखा कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, मुंबई को हार मिली, लेकिन कोलकाता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरसीबी को सिर्फ 92 रन पर समेट दिया और उसके बाद 9 विकेट से जीत दर्ज की। जी बेशक, इसमें अगर रोहित खेलते हैं तो सब लोगों को रोहित का इंतजार रहता है। ये वो खिलाड़ी है जो जहां जाता है वो अपने हिसाब से बल्लेबाजी करता है और विशेष उनका उल्लेख करा जाएगा कल के मैच में और कोलकाता की टीम के खिलाफ वो विशेष कर सकते हैं, हमेशा करते हैं। कोलकाता के लिए करो या मरो के हर मुकाबले हैं, अगर वो हारे तो शायद प्लेऑफ में नहीं पहुंचेंगे। जी बेशक, करो या मरो के मुकाबले, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है ज्यादातर टीमों में, तो ये एक मुकाबला दिलचस्प की हद से आगे जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का जो मुकाबला है वो भी रोमांचक होगा और आईपीएल से जुड़ी हर जानकारी हम आपको स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। गौ साहब, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।